अब बात करते हैं हाल ही में खत्म हुए G20 के बारे में। अभी हुआ था ना, जिसके चक्कर में पूरा देश चमका दिया था। अरे दिल्ली में तो इतने गमले लगा दिए थे, शहर नहीं नर्सरी लग रहा था मुझे। बट सवाल ये कि इसका आउटकम क्या रहा। इंडिया की प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, बट शोबाजी के अलावा सिग्निफिकेंट क्या रहा उसमें? कई सारे मेजर डिसीजंस हुए हैं, लेकिन तीन ऐसे हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये हाइलाइट्स हैं, ध्यान से सुनना, बट ज्यादा ध्यान से भी मत सुनना। पहला है, G20 को G21 बना दिया गया है, क्योंकि इंडिया की अगुवाई में अब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में इंक्लूड किया गया है। अब G20 ना मेजरली एक बड़ी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। वर्ल्ड ओवर जितनी भी GDP है, उसकी 85% जिनकी कंट्रीज की GDP है ना, वो G20 में आते हैं। बट पूरा अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका की कंट्रीज इससे वंचित रह रही थी, और इंडिया ने अपनी अगुवाई में अफ्रीका को इसमें इंक्लूड किया है। और ये दो वजह से काफी खास है। पहला ये कि अफ्रीका इज अ रिसोर्स रिच प्लेस, मतलब वहां पर रिसोर्सेज बहुत है, माइंस बहुत है। एंड दूसरा इज द पॉपुलेशन डेमोग्राफिक। अफ्रीका इज अ वेरी यंग कॉन्टिनेंट, वहां का 18-19 साल की एवरेज एज है। तो इस मामले में और जियोपॉलिटिकली आप समझ सकते हो, तो ये काफी स्ट्रेटेजिक और इंपॉर्टेंट मूव था। दूसरा है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसमें आपको ना एक चीज समझनी होगी कि जो जियोपॉलिटिक्स होता है ना, उसमें इकोनॉमी और पावर बिल्कुल हैंड इन हैंड चलता है। और ये हमेशा से रहा है, हिस्टोरिकली भी आप देखो कि जो ट्रेड कंट्रोल करता है वो दुनिया में दबदबा रखता है। केस इन पॉइंट चाइना है। आजकल दुनिया भर का जो ट्रेड है वो ज्यादातर कंट्रोल करता है, उसको मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब इसी बीच वो एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो डेवलप कर रहा है। $1 trillion का इन्वेस्टमेंट भी कर चुका है, जिसमें वो पूरे यूरोप से और पूरे वर्ल्ड ओवर चाइना को कनेक्ट कर रहा है, और इंडिया को इससे बाहर रखा गया था। अब इसी के जवाब में इंडिया लेके आया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे इंडिया वाटरवेज के थ्रू और रोडवेज के थ्रू इंडिया को मिडिल ईस्ट से और यूरोप से कनेक्ट करेगा, ताकि ट्रेड और आसान हो जाए। मतलब इंडिया अपना एक ऑल्टरनेट कॉरिडोर बना रहा है। एंड नॉट एन एक्सपर्ट, बट आई कैन सेफली से कि बाकी सारी कंट्रीज इसलिए साथ चल रही हैं क्योंकि चाइना की डोमिनेंस किसी को भी नहीं चाहिए। किसी भी मार्केट में मोनोपोली किसी को नहीं चाहिए चाइना, क्योंकि अगर अपना डोमिनेंस करेगा, अगर उसका सारा ट्रेड कंट्रोल हो जाएगा, तो वो जियोपॉलिटिकली बुली करने लगता है बाकी देशों को, जैसे कि साउथ चाइना सी में काफी सारे देश हैं। इसलिए बाकी सारी कंट्रीज भी चाहती हैं कि उनके पास कम से कम दो ऑप्शन रहे, है ना, कि अगर यहां देश से नहीं बन रहे तो दूसरे, और वो अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने देश के इंटरेस्ट को और बेहतर तरीके से रख पाए। ये है बेसिकली। तीसरा है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, और इसको समझने के लिए आपको ये गाड़ी देखनी पड़ेगी जो टोयोटा की आई थी और ये फ्लेक्स फ्यूल पे चलती है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलती है पेट्रोल से। अब पेट्रोल जो है ये ज्यादातर अरब कंट्रीज से आता है। इंडिया अपनी 80% नीड्स इंपोर्ट करता है, टैक्स लगाने पड़ते हैं, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो बिगड़ता है। बट पेट्रोल में आप एक चीज ऐसी मिला सकते हो जिससे इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसके एमिशंस कम हो जाते हैं, और उसको कहा जाता है एथेनॉल। और ये जो एथेनॉल होता है ये ज्यादातर बनता है गन्ने से, धान से भी बनता है, बट ज्यादातर ये गन्ने से बनता है। और इंडिया में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत होता है, और एथेनॉल को आप धीमे धीमे करके बढ़ा भी सकते हो। और एथेनॉल जो है, जो इंडिया में इंडिजिनियसली प्रोड्यूस हो सकता है, ये पेट्रोल का एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट भी हो सकता है। बट इसमें बस प्रॉब्लम ये है कि एथेनॉल को जो प्रोड्यूस करना है वो बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि काफी ज्यादा वाटर एक्सटेंसिव रिसोर्स होता है शुगर केन जिससे बनता है। इतनी अच्छी हमारे पास टेक भी नहीं है। फिर ऊपर से हमको ये भी देखना है कि भाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे बदलेगी, कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी का भी यूज करेंगे, उसमें भी हैम्पर नहीं आना चाहिए। अब यही एथेनॉल जो है इसी को कहते हैं हम बायोफ्यूल, और इसमें ब्राजील और अमेरिका पाइनियर कंट्रीज है। तो हम एक बायोफ्यूल अलायंस के थ्रू अपनी पेट्रोल पर डिपेंडेंस जो है वो कम कर रहे हैं। और एक बार ये हो जाता है, कई सारे फैक्टर्स हैं जो मैनेज करने पड़ेंगे। अभी ऑटोमेशन देना पड़ेगा, करंट हमें इंजन देखने पड़ेंगे, हमें अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री हो रही है उसको भी मैनेज करना है, और साथ ही साथ में जो हमारे शुगर केन फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को भी साथ में लेके चलना है। अगर हम सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये प्लान अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाए, तो डिप्लोमेटिकली काफी अच्छा स्टेप होगा।